अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ अपने देसी एशियन किचन में। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर से होंगे, खैरियत से होंगे और बिल्कुल मज़े में होंगे। मैं आज आपके लिए यहाँ पर लेकर आई हूँ होममेड खोया की रेसिपी, जिसे आप घर पर चंद घंटों में बआसानी तरीके से बना सकते हैं। इसके लिए आपको किसी किस्म के केमिकल पाउडर या किसी भी अद्वियात की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ दूध से इसको बहुत ही जल्दी घर पर प्योर तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लिया है तकरीबन 20 किलो दूध, जो कि फुल क्रीम दूध है। आप ख्याल रखिए, अगर आप गवाले से दूध ले रहे हैं या फिर आप बेकरी का दूध इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो फुल क्रीम दूध नहीं होता है। तो कोशिश कीजिएगा कि आपको फुल क्रीम दूध मिल जाए, उससे बहुत अच्छी मिकदार में खोया बन सकता है। तो मैंने, अगर आप 4 किलो दूध ले रहे हैं तो उससे आपका आधा किलो खोया तो आसानी से तैयार हो जाएगा। मैंने इसको तकरीबन 20 किलो दूध को रख दिया है नॉर्मल फ्लेम पर पकने के लिए। फ्लेम की आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ तेज़ हो या आहिस्ता हो, आप इसको नॉर्मल फ्लेम पर पकने दें। तो जब ये 1/4 रह जाए, जैसा कि आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर आपको मुसलसल इसमें चमचा हिलाने की ज़रूरत है, वरना ये नीचे से लग जाएगा, इसका कलर ख़राब हो सकता है, इसमें स्मेल आ सकती है। तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, मुसलसल चमचा हिलाते रहें इसमें, तो इसका बहुत अच्छा कलर आता है, खाने में बहुत मज़ेदार होता है। तो इसको आप मुख्तलिफ रेसिपीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। इसको इसी तरह नॉर्मल फ्लेम पर पकने दें और जब ये तैयार हो जाए इसको आप फ्रीज कर सकते हैं। इसको आप बहुत सी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए मज़ीद इस तरह की अच्छी और प्योर वीडियोस लेकर आऊं, जिसे आप घर में आसानी से तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसका टेक्स्चर, कलर जितना देखने में खूबसूरत लग रहा है, इससे ज़्यादा ये खाने में मज़ेदार होता है। तो अगर आपको ये पसंद आए तो इसको लाइक करें, ताकि हम इसी तरह एक दूसरे से जुड़े रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।